हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू न्यू स्टूडेंट लेक्चर वीडियो फ्रॉम मेडिकल लैपटेक सुभ्रा तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन माइक्रोबायोलॉजी तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा आगे बहुत सारे एग्जामिनेशन आने वाला है वो ट्रिपल एस हो चाहे डी का टायर टू एग्जामिनेशन क्यों ना हो तो ये यहाँ पे क्या होता है ना माइक्रोबायोलॉजी पैथोलॉजी बायोकेमिस्ट्री एनाटोिक फिजियोलॉजी ऐसे बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोग को देखने के लिए मिलेंगे और ये सारे जो है ना वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं तो जैसे कि अगर आप लोगों को टेक्स्ट बुक ही मेनली पढ़ना पड़ेगा ताकि ये सारे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं आप इसको कर पाए तो इसीलिए मैं आज इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन माइक्रोबायोलॉजी सो विदाउट एनी डिले चलिए स्टार्ट करते हैं बट अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं चैनल तो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कर देना ताकि जब भी मैं एक नया सा अपडेट दूँ तो आपके पास जल्दी जाके पहुँच जाए तो फिर चलिए चलते हैं आज का जो सेशन है स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज हुच मीडिया इज यूज टू आइसोलेट स्टाफाइलकोकस ऑरियस फ्रॉम स्पेसिमेन्स दैट हैव मिक्सड फ्लोरा मिक्स्ड बैक्टेरियल फ्लोरा सोच फीसेस तो ये छोटा सा क्वेश्चन है इसको पूरा हम लोग डिफाइन करेंगे तो मिक्सड फ्लोरा मिक्सड बैक्टेरियल फ्लोरा है कहाँ पर स्पेसिमेन यहाँ पर क्या दिया गया है स्टूल दिया गया है तो स्टूल में क्या होता है ना मिक्सड बैक्टेरियल फ्लोरा अगर रहता है अगर हम लोगों को सिर्फ स्टफाइलोकोकस ऑरियस को ही आइसोलेट करना है तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम इसी के लिए देख लेते हैं स्टफाइलोकोकस हुई चीजें ग्राम पॉजिटिव कोकाई तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा बैक्टीरिया डिवाइड हुआ है कोकाई और बैसिले में कोकाई होता है स्पेरिकल ओवल सर्कुलर स्ट्रक्चर का बैक्टेरिया वेराज ये जो बैसिले होते हैं दे आर रॉड से बैक्टीरिया तो कोकाई जो होता है ये भी फिर से टू टाइप से डिवाइड हुआ है एक होता है ग्राम पॉजिटिव कोकाई आज प्लस दूसरा होता है ग्राम नेगेटिव कोकाई तो ग्राम पॉजिटिव कोका जो होता है उसके अंदर में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे बैक्टीरिया आते हैं फॉर एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल है स्टाफाइलोकोकस तो ये स्टफाइलोकोकस का भी क्लासिफिकेशन बहुत सारे हैं जैसे कि आप लोगों को पता होगा स्टाफाइलोकोकस ऑरियस स्टफाइलोकोकस साप्रोफिटिकस स्टाफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस तो ऐसे बहुत सारे के स्पीसीज हैं स्टाफाइलोकोकस के लेकिन गाइज यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप लोगों के लिए पूछा है स्टफाइलोकोकस ऑरियस यानी मिक्स फ्लोरा बैक्टीरियल फ्लोरा है अगर कहीं पे भी हम लोग कल्चर के लिए कल्चर लगाते हैं तो इसीलिए अगर मिक्स फ्लोरा हो अगर हम लोगों को कोई भी एक सैम्पल कोई भी एक स्पेसिमेंट कोई भी एक ऑर्गेनिज्म चाहिए हो तो हम लोग वहाँ पर यूज़ करते हैं सिलेक्टिव मीडिया तो सिलेक्टिव मीडिया का क्या काम होता है ये जो बाकी अदर ऑर्गेनिजम्स जो माइक्रोव जो हम लोगों को नहीं चाहिए इट विल इनिवेट दैट एंड जो ऑर्गेनिजम्स हम लोगों को परफेक्टली पर्टिकुलरली चाहिए तो वही ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएंगे ग्रो कर जाएंगे सो दैट इज़ कॉल्ड एज गाइज सिलेक्टिव मीडिया तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूरा घुमा फिरा के यही पूछा है द सिलेक्टिव मीडिया फॉर द स्टूल स्पेसिमिन या फिर फीसे स्पेसिम जो होता है उसके लिए अगर मिक्स्ड बैक्टीरियल फ्लोरा अगर उस पर होगा तो अगर हम स्टाफाइलोस और इसको ही आइसोलेट करेंगे सेपरेट करेंगे तो हम लोग कौन सा सिलेक्टिव मीडिया यूज़ करेंगे तो आप लोगों के सामने जैसे कि पहले ऑप्शन में दिया गया है मैनेटल सॉल्ट अगर ऑप्शन नंबर टू पे है अनएनरीचमेंट ब्रॉथ तो ब्रॉथ का मतलब होता है दिस इज ए लिक्विड मीडिया क्योंकि आप लोगों का मीडिया जो होता है एक सॉलिड होता है एक सोमी सेलिड होता है एक होता है लिक्विड मीडिया तो सॉलिड मीडिया में आप लोगों का वन टू टू परसेंट अगर यूज करके जो आप लोग न्यूट्रेन अगर देखते हो दे आर कॉल्ड एज सॉलिड मीडिया लेकिन गाइज अगर जो लिक्विड मीडिया होता है ग्लूकोज ब्रॉथ जो होता है न्यूट्रेन ब्रॉथ जो होता है दे आर कॉल्ड एज लिक्विड मीडियम तो ऑप्शन नंबर टू पे दिया गया है आप लोगों को अनएनरीचमेंट ब्रॉथ जो कि लिक्विड मीडिया है नेक्स्ट आप लोगों को दिया गया है मैकन की अगर तो मैकन की अगर इज ए सॉलिड मीडिया इट इज इंडिकेटर मीडिया तो अगर आप लोगों ने कल्चर मीडिया वाला चैप्टर देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा जरूर कि माकन की अगर इज अ इंडिकेटर मीडियम तो इंडिकेटर मीडिया का मतलब क्या होता है इट विल इंडिकेट व्हाट इट विल इंडिकेट इट विल इंडिकेट इट इज लैक्टोज फॉर्मेंटिंग और नॉन लेक्टोज फॉर्मेंटिंग यानी मैकन के अगर में लैक्टोजार्मेंटिंग ऑर्गेनिजम्स जो होंगे लेक्टोज फॉर्मेंटिंग बैक्टेरिया जो होगा इट विल सो पिंक कलर वर एज द एन एल एफ कॉलोनीज और नॉन लैक्टोज फॉर्मेटिंग कॉलोनीज विल सो लेस कलर ठीक है तो इसी से आप लोगों को पता चल जाएगा दीज आर एल एफ कॉलोनीज और दीज आर एन एल एफ कॉलोनीज इसीलिए मैकन की अगर को आप लोगों को क्या कहा गया है दिस इज ए इंडिकेटर मीडिया नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन में आप लोगों को दिया गया है योसिन मिथिलिन ब्लू अगर दैट इज एम बी राइट तो ये चार ऑप्शन में से ऐसा कौन सा आंसर है आप लोग मेरे को ये बताइए कि फीसेस यानी स्टूल सैंपल में फीसेस वाला स्पेसिमेन में अगर हम लोगों को स्टाफा ऑरियस को, को, को सेपरेट करना है तो हम लोग कौन सा सिलेक्टिव मीडिया यूज करेंगे तो गाइज ये एक ही क्वेश्चन था लेकिन एक ही क्वेश्चन में हम लोगों ने पूरा फर्स्ट यूनिट वाला जो चैप्टर है आप लोगों ने देखा होगा कि एक बैक्टीरिया को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कल्चर मीडिया का होता है तो ये सारे चीजें भी आप लोगों को बहुत सारे कुछ जानने के लिए मिला ठीक है अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो से आप लोग बेनिफिट हो रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना ठीक है तो फिर चलिए चलते हैं गाइस इसका आंसर देखते हैं सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ए दैट इज मैनेटल सॉल्ट अगर तो मैनेटल सॉल्ट अगर अगर आप लोगों ने स्ट्राफेलो को चैप्टर में देखा होगा दिस इज ए सिलेक्टिव मीडिया फॉर स्ट्राफेलो कोकस ऑरियस सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए दैट इज मैनेटल सॉल्ट अगर तो फिर चलिए चलते हैं गाइज फर्स्ट क्वेश्चन होने के बाद हम लोग विल जंप इन टू द सेकेंड क्वेश्चन तो सेकेंड क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट आप लोगों को लग सकता है थोड़ा सा आप लोगों को अगर बहुत सारे टेक्स्ट बुक आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ही जाके ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर पाएंगे लेकिन जो बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे तो जरूर इस वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख देना अंसल्स स्टेन इज अप्रोप्रिएट फॉर तो आप लोगों ने सुना होगा ग्राम स्टेन जो कि विच इज यूज टू डिस्टिंग्विज बिटवीन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एज वेल एज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया नेक्स्ट स्टेन होता है आप लोगों का जेड स्टेन और एफ बी स्टेन विच इज़ यूज टू आइसोलेट माइकोबैक्टेरियम स्पीसीज लेकिन गाइज यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है थोड़ा सा डिफरेंस हैंडसेल स्टेन शायद ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा लेकिन गाइज मैं यहाँ पे हूँ आप लोगों को सारा डाउट क्लियर कर दूंगी हैंडसेल स्टेन इज प्रोप्रिएट फॉर ऑप्शन नंबर ए पर आप लोगों को दिया गया है सर्कुलेटिंग यूसिनोफाइल्स फैगोसाइटिक न्यूट्रोफिल्स नाजल सिक्रेशन ऑफ यूसिनोफाइल्स एंड ल्यूकोसाइट्स इन स्पाइनल फ्लूड तो गाइज चार ऑप्शन में से मेरे को ऐसा एक आंसर बता तो guys, आंसर बताइए जो कि फॉर तो इसका मैं बता देती हूँ इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दैट इज फॉर दिस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन तो चलिए गाइज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत ही ईजी सा सवाल है आपके टेक्स्ट बुक में आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन देखा ही होगा लेकिन गाइडी इतना मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चन है बहुत सारे एग्जाम में ये आ चुका है और ऐसा भी मानना है कि आगे भी बहुत सारे एग्जामिनेशन में ये आ सकता है सो द क्वेश्चन हियर इज व्हाट इज द सुइटेबल टाइमिंग फॉर लेसन बाय यूजिंग ऑटोक्लेफ तो स्टरिलाइजेशन इज द मोस्ट इम्पॉटेंट कंसेप्ट इन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर एनवायरमेंट में हमारा जो होता है माइक्रो ऑर्गेजम ऐसे ही प्रेजेंट रहते हैं लेकिन उनको चाहिए होता है थोड़ा सा कंडीशन थोड़ा सा अनफेवरेबल कंडीशन जहाँ पे वो लोग क्या कर सकें उनका रिप्रोडक्शन कर सकें या फिर उसको ग्रो कर सकें तो इसीलिए लिए इस क्या होता है ना हम लोग कोई भी चीज़ हम लोग अगर यूज़ करते हैं या फिर कोई भी स्पेसिमेंट को हम लोगों को अगर आइसोलेट करना होता है कल्चर मीडिया में चाहे किसी भी यानी या फिर इनोकुलेशन जो दे, देते हैं हम लोग लो लूप में अगर उसको भी हम लोगों को स्टेलाइज करना चाहिए तो स्टेरिलाइसन का मतलब होता है फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट हो ऐसा कोई चीज़ हो इसको हम लोग क्या करते हैं ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फ्री करने के लिए वी यूज़ दिस वर्ड कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन तो स्टेरिलाइजेशन भी बहुत का टाइप उसका है फिजिकल स्टेरलाइशन केमिकल स्टेरिलेशन तो ये एक तो पूरा एक यूनिट है अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है इसको इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए कि ये चैप्टर से भी बहुत सारे क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन एटलीस्ट तो मिनिमम आ ही सकता है ठीक है तो स्टेरिलाइेशन में हम लोग क्या यूज़ करते हैं जैसे कि मेनली माइक्रोबायोलॉजिकल लैब में हम लोग ऑटोक्लेव एज वेल एज हॉट एरोन ये दोनों चीज़ें यूज करते हैं फर्स्ट एशन तो लेकिन यहाँ पे आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछा है ऑटोक्लेव जो होता है उसका टाइमिंग कितना है वट इज़ द सुटेबल टाइमिंग फॉर फर्स्टलाइशन बाई यूजिंग ऑटोक्लेव तो ऑप्शन सारे आप लोगों के सामने जैसे कि वन आवर एट नाइन्टी डिग्री सेल्सियस वन आवर एट वन सिक्सटी डिग्री सेल्सियस थर्टी मिनट्स एट एटी डिग्री सेल्सियस एज वेल एज वन ट्वेंटी वन डिग्री एट फिफ्टीन आई बी एस तो गाइज इसका आंसर मेरे को लगता है आप सभी लोगों को पता होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर इसका आंसर लिख दीजिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वन ट्वेंटी वन डिग्री सेल्सियस एट फिफ्टीन आई बी एस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दिस इज द करेक्ट टाइमिंग फॉर द दिलेशन इन ऑटोक्लेव ठीक है तो फिर चलिए चलते हैं गाइज और एक दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग कोई भी ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट कर रहे हैं तो पहला तो क्या करते हैं हम लोग वो स्पेसिमेंट को कलेक्शन करते हैं चाहे वो ऊन से पर्स क्यों ना ना हो चाहे वो ब्लड क्यों ना हो चाहे कुछ भी क्यों ना हो या फिर स्पूटम क्यों ना हो तो ये सारे स्पेसिमेंट जो होते हैं सैम्पल्स जो होते हैं हम लोग इसको इनोकुलेट करते हैं इनोकुलेट क्या करते हैं किस में करते हैं कल्चर मीडिया में करते हैं तो कल्चर मीडिया क्या होता है कल्चर मीडिया एक ऐसा आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट हम लोग क्रिएट करते हैं ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पर ग्रो कर सके तो यहाँ पे आप लोगों को कंपोजिशन भी पूछ सकता है कंपोजिशन ऑफ दैट कल्चर मीडिया तो मेनली आप लोगों का पेप्टन वाटर पेप्टोन जो होता है वो रहता है फिर आप लोगों का एन रहता है और अगर भी रहता है ये सारे चीज़ें जो कंपोजिशन होता है उसका आप लोगों को बनाने में कल्चर मीडिया वो भी सॉलिड मीडिया हो सकता है वो भी लिक्विड मीडिया हो सकता है तो अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम लोग सॉलिड मीडिया को ही देख लेंगे तो इनोकुलेशन कोई भी स्पेसिमिन का सैम्पल का हम लोग कल्चर मीडिया में कर लेते हैं उसके बाद उसको इंक्यूबेट करते हैं ओवरनाइट नाइट इंक्यूबेशन उसको किया जाता है और उसके बाद नेक्स्ट डे आके हम लोग क्या देखते हैं उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं यानी कॉलोनी जो ग्रोथ हुआ होगा कल्चर मीडिया में उसका अपियरेंस उसका कलर उसका साइज उसका सेप ये सारा सब कुछ देखने के बाद हम लोग डिटेक्ट करते हैं ये ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव बैसिलाई कोकाई जो भी होता है और उसके बाद ग्राम स्टेनिंग भी करते हैं उसका जो और जडेन स्टेनिंग भी करते हैं स्मियर से स्टेनिंग करके हम लोग उसको भी माइक्रोस्कोपिकली देख सकते हैं या फिर कल्चर को हम लोग कल्चर का जो अपेयरेंस है उसको देखते हैं और उसके बाद भी हम लोगों का फिर से कंफ्यूजन रहता है कि ये ऐसा बैक्टीरिया हो सकता है क्योंकि ऐसे बहुत सारे बैक्टीरियाज होंगे जिनका कॉलोनी का अपेरेंस सेम रहता है ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जिसका जो कि एल है तो सिर्फ मैकन की अगर को देख के तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे ना कौन से बैक्टीरिया हो सकता है तो इसी लिए क्या किया जाता है बायोकेमिकल टेस्ट किया जाता है सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया चैप्टर आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा फर्स्ट यूनिट में तो इसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि बायोकेमिकल टेस्ट जैसे बहुत सारे होते हैं जैसे कैटलेस टेस्ट होते हैं क्वागुलज टेस्ट होता है इंडोल टेस्ट होता है ऑक्सीडेज होता है टी एस आई यानी ट्रिपल शुगर आयरन होता है ऐसे बहुत सारे बायोकेमिकल टेस्ट रहते हैं जिसको पूरा हम लोग एनालिसिस करके पता कर पाएंगे कि, कि ये यही बैक्टीरिया ही ग्रोथ हुआ है इस कल्चर में ठीक है तो यहाँ पे आप लोगों को पूछा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया कैन बी डॉन बाय तो पूरा पूरा जो फर्स्ट यूनिट का जो चैप्टर मैंने यहाँ पर समराइज कर चुकी हूँ तो ये क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से देखिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टेरिया बैक्टीरिया को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल इज स्टेनिंग रिएक्शंस कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एस बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज एंड फाइनली आप लोगों को दिया गया है ऑल ऑफ द तो गैस आप लोगों को क्या लगता है इस क्वेश्चन में इसका आंसर क्या हो जाएगा सिर्फ बायोकेमिकल रिएक्शन देख के क्या हम लोग पता कर सकते हैं कि ये कौन सा बैक्टीरिया है या फिर सिर्फ स्टेनिंग के बाद यानी स्मीयर जो हम लोग बनाते हैं सैंपल से स्मीर बना के उसको स्टेन करते हैं चाहे वो ग्राम स्टेन हो चाहे वो स्टेन हो वो स्टेनिंग के बाद सिर्फ हम लोग पता कर सकते हैं ये ऐसा बैक्टेरिया हो सकता है या फिर कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक यानी जैसे कि मैंने बताया ओवरनाइट इनक्यूबेशन के बाद कल्चर जो होता है वो कल्चर मीडिया में कैसा ग्रोथ हुआ है उसका मॉर्फोलॉजी क्या है कॉलोनी का अपेयरेंस क्या है कलर साइज से ये सारा सब कुछ देख के क्या हम सिर्फ यही चीज़ें देख के पता कर सकते हैं कि ये कौन सा बैक्टेरिया होता है तो गाइज ये बहुत ही इजी सा सवाल है क्योंकि इसका आंसर जो है मैं ऑलरेडी ऑलमोस्ट 90 परसेंट तो बता ही चुकी हूँ तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि इस, इसका आंसर क्या हो जाएगा ठीक है सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑल ऑफ द एवर ठीक है तो गाइस मेरे को लगता है थोड़ा सा आप लोगों का फर्स्ट यूनिट वाला जो है बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये थोड़ा थोड़ा सा आप लोगों का डाउट जो है वो क्लियर हो रहा होगा अगर हो रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों से शेयर भी कर लेना क्योंकि आगे बहुत सारे ऐसा एग्जामिनेशन आएंगे आप लोगों को उसमें क्वालिफाई करना है कॉम्पिटिशन बहुत ही बढ़ गया है ठीक तो है तो चलिए चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वॉइस ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्किन इरिटेंट तो स्किन जो होता है हमारा मासूम सा चेहरा होता है वो इरिटेशन होता है बहुत सारी चीज़ों से इरिटेशन उसमें हो जाता है तो ऐसा ये जो ऑप्शन चार दिया गया है इस चार ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है हुई चीज़ नॉट ए स्किन इरिटेंट ये स्किन को इरिटेट नहीं करता है तो ऑप्शन नंबर ए पे आप लोगों को दिया गया है फॉर्मल डिहाइड हीमोटॉक्सिलिन एमोनिया वैपर्स एस वेल एज फाइनल पे आप लोगों को दिया गया है जैगलिन तो ये जो चार केमिकल है ये आप लोगों ने यूज किया होगा पैथोलॉजी लैब में माइक्रोबायोलॉजी लैब में आज एल एस बायोकेमिस्ट्री लैब में भी आप लोगों ने प्रैक्टिकल के टाइम पे देखा होगा तो क्या गाइज आप लोग मेरे को इसका आंसर बता सकते हैं कि ऐसा कौन सा केमिकल है यहाँ पे ये यह चार ऑप्शन में से जो कि एक स्किन इरिटेंट नहीं है सो फॉर्मल डिहाइड तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें हिस्टोपैथोलॉजी लैब में हम लोग फॉर्मल डिहाइड यूज़ करते हैं फॉर्मल डिहाइड क्यों यूज किया जाता है टू प्रिजर्व एट द ओरिजिनल कंडीशन ऑफ द स्पेसिमेन स्पेसिमेन को एट इट्स ओरिजिनल कंडीशन में और टू प्रिवेंट ऑटोलिसिस टू प्रिवेंट प्यूट्रिफिकेशन हम लोग यूज़ करते हैं फॉर्मल डिहाइड ताकि वो जो टीशू है जो बायोप्सी में जो टीशू आ गया है उसको हम लोग क्या कर सकें उसको हम लोग प्रिजर्व कर सकें एट इट्स ओरिजिनल कंडीशन तो इसीलिए फॉर्मल डिहाइड यूज़ किया जाता है तो हिस्टोपैथोलॉजी लैब में आप लोगों को पता होगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका क्या होता है ना आंख में पानी आ जाता है क्यों बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मल डिहाइड बिकॉज दिस इज द स्किन इरिटेंट नेक्स्ट ऑप्शन में आप लोगों को दिया गया है तो हिमोटॉक्सिलिनोटॉक्सिलिन आप लोगों को पता होगा ये एक स्टेन है तो एच ई स्टेन जो होता है एंड स्टेनिंग होता है तो जो होता है इट विल कलर इट विल स्टेन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल्स एंड इन होता है ये एसिडिक स्टेन होता है इट विल स्टेन द साइटोप्लाजम ऑफ द सेल ये होता है हीमोटॉक्सिलिन ये एक स्टेन है बाकी नेक्स्ट आप लोगों को दिया गया है एमोनिया वैपर्स जो एमोनिया होता है आप लोगों का उसका वैपर और फाइनली आप लोगों को दिया गया है जाइलिन आप लोगों को पता होगा जाइलिन इज ए क्लियरिंग एजेंट तो ये सेंटेंस जो है इसमें से भी क्वेश्चन आ, आ सकता है जाइलिन क्या है जाइलिन एक क्लियरिंग एजेंट है जो कोई भी स्टेन हम लोग करते हैं चाहे वो एच ई स्टेन हो कुछ और स्टेन हो फाइनली हम लोग उसको क्या करते हैं उसको जाइलिन में डिप कर लेते हैं क्यों कर लेते हैं बिकॉज इट इज ए क्लियरिंग एजेंट बाकी सारा सब कुछ जो स्टेन हमको एक्स्ट्रा जो है उसको नहीं चाहिए हम लोग उसको क्या करते हैं ना वो जाइलिन से वो क्लियर हो जाता है सो आपके पास भी वो जो जाइलिन का बॉटल जो है गिर गया होगा तो आप लोगों को पता होगा कि ऐसा मतलब ये स्किन इरिटेशन करता है बहुत सारा इचिंग जैसा कुछ आ, मतलब इरिटेशन करता है ये जाइलिन तो ये चार ऑप्शन में से आप लोग मेरे को ये बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा व्हिच केमिकल इज़ नॉट ए स्किन इरिटेंट तो ऑप्शन नंबर बी दैट इज हीमोटॉक्सिलिन इज नॉट ए स्किन इरिटेंट क्योंकि आप लोगों का जो आजकल है वो ऑटो स्टैंडर्ड तो आ ही चुका है जो कि आप लोग ऑटो स्टैंडिंग उसमें से कर देते हैं लेकिन पहले मैनुअली जो होता है बहुत सारे छोटे छोटे लैब ऐसे भी हैं जो कि एच एस को मैनुअली करते हैं तो आप लोगों को पता होगा वो एच एस में कपलीन जार के अंदर वो स्टेन रहता है हीमोटॉक्सिलिन और हम लोग क्या करते हैं ना उस स्लाइड को डिप करते हैं वो हीमोटॉक्सिलिन में इंक्लूडिंग आवर हैंड भी हम लोगों का थोड़ा थोड़ा डिप हो जाता है तो इसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं होता सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हिमोटॉक्सिलिन ये क्वेश्चन होने के बाद चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास तो स्टेरिलाइजेशन चैप्टर तो हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा सा वो जो मैंने ऑटोक्लेव के टाइम पे बता चुकी हूँ हॉट एयर ओवन एक इंस्ट्रूमेंट का नाम मैंने बताया था वहां पे ये भी एक स्टेरिलाइजर है विच ऑल्सो ग्लास ग्लासवेयर जैसे कि बहुत सारे ग्लास मटेरियल्स हमारे लैब में होते हैं तो इसको स्टेरिलाइज हम लोग किस में करते हैं हॉट एयर ओवन में करते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन ये दिया गया है वॉट आर द सुइटेबल टाइमिंग्स फॉर स्टेरिलाइजिंग बाई यूजिंग ए हॉट एयर ओवन तो जैसे कि ऑटो क्लिप का हम लोगों ने देख लिया वन ट्वेंटी वन डिग्री सेल्सियस फिफ्टीन आई बी एस में का किया जाता है लेकिन हॉट एयर ओवन का क्वेश्चन भी आप लोगों का थियोरिटिकल एग्जामिनेशन में सेमिस्टर एग्जामिनेशन में वाइवा एग्जामिनेशन में या फिर आप लोगों का यही जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा आगे इसमें भी पूछा जाता है गाइज आप लोगों को लगे कि बहुत सारे हार्ड और डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे लेकिन इतने सारे छोटे छोटे ईजी और कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं और इसको देख के आप लोगों का हो जाता है क्या कन्फ्यूजन तो इसीलिए गाइस थोड़ा थोड़ा करके हम लोग डेली डेली ऐसा ही देखते जाएंगे अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक जरूर करना और वीडियो को शेयर जरूर करना अपने सीनियर जूनियर अपने दोस्तों से ठीक है तो ऑप्शन नंबर ए पे आप लोगों को दिया गया है थ्री आवर्स एट वन फोर्टी डिग्री सेल्सियस यानी वन फोर्टी डिग्री सेल्सियस में तीन घंटे तक उसको रखते हैं या फिर वन आवर एट वन सिक्सटी डिग्री सेल्सियस थर्टी मिनट्स एट वन एटी डिग्री सेल्सियस अजल फोर्थ ऑप्शन में आप लोगों को दिया गया है ऑल ऑफ द देभ तो अगर आप लोग बहुत सारे लोग सी पी बाबेजा माइक्रोबाइलॉजी के लिए प्रिफर कर रहे हैं ये फैक्ट है तो वो बुक में जो दिया गया है आप लोगों ने देखा होगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आज वाले आप लोगों का पर्टिकुलर टाइमिंग दिया गया है और उसके अगर आप लोग आसपास थोड़ा सा और ज्यादा पढ़ाई किया होगा आप लोगों ने तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसका जो टेम्परेचर रेंज कितने टेम्परेचर में कितना टाइम तक अगर हम लोग उसको रखते हैं तो ये स्टेरिलाइजेशन हो जाता है तो गाइज जल्दी से इसका आंसर जो है मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गाइस यस ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एव यानी हम लोग चाहे तीन घंटे में चाहे आप लोगों का एक घंटे में आज एल एस अगर आप लोगों को थर्टी मिनट्स में भी आप लोगों को स्टेडलाइजन होकर मटेरियल्स चाहिए चीजें चाहिए तो भी आप लोग कर सकते हैं लेकिन गाइज आप लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि टेम्परेचर इसका वन एटी डिग्री सेल्सियस होना चाहिए ठीक है ताकि वो जो स्टेडलाइज अच्छे से हो पाए तो फिर चलिए चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ये क्वेश्चन जो है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है अगर आप लोगों ने थ्योरी को अच्छे से पढ़ा होगा तो ही जाके ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर पाएंगे तो विच मलेरियल पैरासाइट फ्रिक्वेंटली हैज़ ए कोल परफॉर्मेशन तो मलेरियल पैरासाइट है तो मलेरियल पैरासाइट को थोड़ा सा देख लेते हैं वो क्या है कैसा क्या करता है तो मलेरिया जो है एक डिजीज है बेसिकली आप सभी लोगों को पता होगा ब्रेन मलेरिया होता है जो होता है फिर मलेरिया नॉर्मली जो बॉडी में होता है वो भी होता है तो मलेरिया पैरासाइट जो होता है प्लाज्मोडियम फैलसीफारम प्लाज्मोडियम वाईवैक्स प्लाज्मोडियम मलेरी प्लाज्मोडियम ओवेल और एक दूसरा जो मंकी से आया है तो प्लाज्मोडियम नॉलेसी तो ये जो चार पाँच प्लाज्मोडियम के वराइटी होते हैं इसके वेक्टर होता है मस्कीटो और इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट यहाँ पे कहां पे होता है उसका असेक्सुअल जो होता है वो ह्यूमन में होता है और उसका जो सेक्सुअल लाइफ साइकिल होता है ये आप लोगों के मस्क्यूटो के अंदर में होता है ये थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना है थोड़ा सा कंसेप्ट में यहाँ पे बता देती हूँ लेकिन गाइज यहाँ पे पूछा गया है ऐसा कौन सा मलेरियल पैरासाइट है जो कि ऑप्शन में तो ऑलरेडी चार पांच आप लोगों को मलेरियल पैरासाइट आप लोगों को पता होगा मैं तो बता चुकी हूँ विच मलेरियल पैरासाइट फ्रिक्वेंटली हैजल फॉर्मेशन तो ऐसा कौन सा पैरासाइट है मलेरियल पैरासाइट इट विल फॉर्म एक्वल फॉर्मेशन तो वही ऑप्शन में दिया गया है वाई वाक्स परम, मलेरी ओवल तो गाइज इसका आंसर आप लोगों को अगर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जल्दी से इसका आंसर लिख दीजिए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दैट इज प्लाज्मोडियम फैलसीपेरम तो ये एक ऐसा मलेरियल पैरासाइट होता है कुछ कॉजेस ए एकोल फॉर्मेशन इस क्वेश्चन को देखे और थोड़ा सा इसका आसपास क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मरर क्लिप्ट मे बी सीन इन रिलेशन टू हुच ऑफ़ द फॉलोइंग पैरासाइट्स यानी चार पैरासाइट आप लोग जैसे कि पहले से वो वाला ऑप्शन था वही सेम ऑप्शन है लेकिन यहाँ पे दिया गया है एकर्ल फॉर्मेशन के जगह पे यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है मॉरल तो ये जो मॉरल क्लिप्टे बी सीन इन रिलेशन टू ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट्स तो ऑप्शन आप लोगों के सामने जैसे कि वाईवैक्स फैलसीफरम मलेरी एज वेल एज आप लोगों को ओवेल बी दिया गया है तो गाइज आप लोगों को क्या लगता है इसका आंसर क्या हो जाएगा ये थोड़ा सा आप लोगों को वाईवैक्स जैसा लग रहा है या फिर हम लोग वी विल स्टिक टू दैट प्लाज्मोडियम तो, तो इसका आंसर जल्दी से मेरे को बताइए तो इसका आंसर हो जाएगा जो पैरसाइट आप लोगों का फॉर्मेशन करता है वही पैरासाइट आपके पास उसका मरर क्लेप्स होता है सो द ऑप्शन नंबर बी दैट इज प्लाज्मोडियम द्लासीपेम विल बी द तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन चलिए और थोड़ा सा वही पैरासाइट के बारे में देख लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है स्कफ्नर डॉट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सवाल है स्कफनर डॉट्स आर मोस्ट कंस्पिकियस इन हुई फॉलोइंग मलेरियल ऐसा कौन सा मलेरियल पैरासाइट है जिसपे आप लोगों का स्कॉफनर डॉट्स होता है वाइवाक्स फैलसीपरम मलेरी एज वेल एज आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है ओवेल तो आप लोगों को क्या लगता है इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ऐसा कौन सा मलेरियल पैरासाइट है डॉट्स मैं तो यहाँ पे आप लोगों को बता दूं ऑप्शन नंबर डी में जो दिया गया है प्लाज्मोडियम दिस दिस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन इसी पे ही आप लोगों का स्कॉफनर डॉट्स दिखाई देता है ठीक एंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये आ गया है हुई आर द विक्टर्स फॉर द चगास डिजीज तो एक चगास डिजीज है आप लोग चाहे उसको कुछ भी पढ़ लीजिए चगास चगास जो भी ठीक है तो ये डिजीज का आप लोगों को पूछा गया है वेक्टर कौन सा है तो सैंड फ्लाई सेसे फ्लाई इन अ फिल्स स्पीसीज बेडबॉक्स एंड टिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट सा सवाल है बहुत ही ईजी सा सवाल है एक बार आप लोग इसको मेमोराइज़ कर लोगे तो आप लोगों को फिर से नेक्स्ट टाइम इसी को पढ़ना नहीं पड़ेगा एग्जामिनेशन में भी ये क्वेश्चन आ सकता है बहुत ही इम्पोर्टेंट सा सवाल है थोड़ा सा उसको अच्छे से सोचिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा सो so, चगा स्टीजिस का वेक्टर कौन सा है तो इसी का वेक्टर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी देट इज़ एंड टिक्स विकेक्टर ऑफ दिस डिजीज चगा उसके बाद लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आप लोगों के सामने में, आप लोगों के लिए लेके आए हूँ स्कॉच एस सी ओ टी सी एच स्कॉच सेलुलर स्टेप टेस्ट इज यूज टू डायग्नोज तो ये वाला टेस्ट अगर आप लोगों ने थोड़ा सा अच्छे सा वो जो कंसेप्ट बुक का जो पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा ये जो सेलुलर स्टेप टेस्ट होता है ये किस चीज को डायग्नोज के ले कर ले के लिए होता है इंटेरोबासिस ट्राइचूरियासिस आस्करियासिस या फिर अनसाइक्लोस्टोमियासिस तो एंटरोबायसिस यानी विच इज कॉज बाय एंट्रोवायस वॉर्मिकुलरिस नेक्स्ट होता है ऑप्शन नंबर बी ट्राइचुरियासिस जो कि विच इज कॉज बाय ट्राइचुरियस ट्राइचूरा एंड नेक्स्ट होता है आप लोगों का आस्करियासिस विच इज कॉज बाय आस्करिस लुम्बरिकॉइड्स एंड फाइनली अनसाइक्लोस्टोमियासिस विच इज कॉज बाय अनसाइक्लोस्टोमैन डिओडनम तो ये चार जो ऑप्शन है इसी में से ऐसा कौन सा डिजीज को डायग्नोज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं सेलुलो स्टेप टेस्ट तो इसका आंसर आप लोग बता दीजिए कमेंट सेक्शन में इसी के साथ हम लोग वीडियो को वाइंड अप करते हैं अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना दोस्तों से शेयर कर लेना और आगे ऐसे ही वीडियोस मैं डेली डेली ट्राई करूंगी कि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस माइक्रोबायोलॉजी पैथोलॉजी बायोकेमिस्ट्री एनाटॉमी फिजियोलॉजी ये सारे सब्जेक्ट्स कर ला पाऊँ ताकि हम लोग प्रिपेयर कर सके स्टेट एज वेल सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए फॉर लैब्यूटो टेक्नीशियंस तो इसी का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज एंटरबाइसिस विच इज कॉज बाय द बैट पैरासाइट कोल्डलेस इंट्रोबायस वॉर्मिकुलारिस्ट चलिए चलते हैं फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से देखते रहिए थैंक यू